दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, चाहे वह दलित महिला की पिटाई सिर्फ इसलिए कर देना हो कि वो ऊंची जाति वाली के सामने कुर्सी पर बैठ गई थी, या फिर मूछे रखने पर दलित की पिटाई करना हो। लेकिन अब दलितों के खिलाफ सामाजिक अपराध राजनीतिक रूप इख्तियार करने लगे हैं, यहाँ तक कि दलितों से उनके मौलिक अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मामला भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश का है, जहां एक दलित परिवार को गांव से बाहर केवल इस कारण से निकाल दिया गया कि उसने अपनी मर्जी से वोट डाला। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। भारत में कोरोना महामारी का बुरा प्रकोप पड़ा है। ऐसे समय में भारत को सामाजिक और राजनीतिक एकता का परिचय देकर देश की एक मजबूत छवि पेश करनी चाहिए थी, लेकिन अनेक शुभचिंतक दलों के बावजूद भेदभाव के खिलाफ दलितों की लड़ाई अभी भी काफी लंबी है। ये शुभचिंतक दल दलितों के वोट तो पाना चाहते हैं, लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन सदियों से जातिगत भेदभाव का वायरस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसका खात्मा करने में हम आज भी नाकाम हैं। मतलब अब बात यहाँ तक आ गई है कि दलित अपनी मर्जी से वोट तक नहीं डाल सकता है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है, जहाँ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट ना डालने पर दलित परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित का कहना है कि क्षेत्र के दबंग नेता रामकिशन धाकड़ ने उसे परिवार सहित भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए कहा था, लेकिन उसने भाजपा को वोट ना डालकर बीएसपी को वोट डाल दिया। तो बस फिर क्या था, नेता ने ये बात अपनी ईगो पर ले ली और स्वाभिमान बचाने के लिए परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन असली लड़ाई तो अब पीड़ित परिवार लड़ रहा है। पहले तो FIR दर्ज नहीं की गई, और जब की गई तो आश्वासन दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के राज वाले मध्य प्रदेश से दलितों के साथ अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जैसे गुना जिले के करोद गांव में माचिस नहीं देने पर दलित व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। वहीं दतिया जिले के चरोई गांव में मजदूरी विवाद में समझौते से इनकार करने पर दलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई की और घर तक जला दिया। एक और मामला सीएम योगी के राज्य से सामने आया है, जहां अमेठी में दलित ग्राम प्रधान के पति को जिंदा जला दिया। अरे अरे, आप क्या सोच रहे हैं कि मामले खत्म हो गए? ये तो हाल फिलहाल के मामले हैं। इस देश में तो दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर जाने तक नहीं दिया जाता है, और तो और दलित सरपंच को स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने तक की इजाज़त नहीं है। ग्रामीण इलाके में दलित व गैर दलितों के बीच सत्ता के असंतुलन ने कोढ़ की खाज पैदा की है। तो हिंदुत्व के उभार और सत्ता पर काबिज होने से भी दलितों पर जुल्मों की तादाद तेजी से बढ़ी है। ऐसे में ये भी साफ हो चुका है कि अनेक शुभचिंतक दलों के बावजूद भेदभाव के खिलाफ दलितों की लड़ाई अभी काफी लंबी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।